300 परिवार के 1200 से अधिक लोगों को फिर से हिंदू धर्म में वापस शामिल किया गया। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सभी के घर वापसी पांव धो कर की गई। छत्तीसगढ़ के जशपुर में दिवंगत भाजपा नेता दिलीप के पुत्र प्रबल प्रताप सिंह ने 1200 लोगों को घर वापसी कराई। घर वापसी पर बात करते हुए प्रबल प्रताप ने कहा कि संघ से जुड़े हमारे लोगों और संगठनों द्वारा लगातार काउंसलिंग करने के बाद इन सभी को एहसास हुआ कि उन्होंने खुद को ईसाई धर्म में परिवर्तित करके गलती की है। प्रबल प्रताप सिंह ने कहा कि हिंदुत्व की रक्षा करना उनके जीवन का एकमात्र संकल्प है। उन्होंने बताया कि घर वापसी करने वाले अधिकांश परिवार बसना सरायपाले के थे। ये कार्यक्रम आर्य समाज और हिंदू समाज द्वारा आयोजित किया गया। प्रबल प्रताप ने कहा कि इतनी अधिक संख्या में लोगों की उनके मूल धर्म में वापसी एक अच्छा संकेत है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में धर्मांतरण करने वालों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हमें धर्मांतरण नहीं करना बल्कि लोगों को जीवन जीने का तरीका सिखाना है। गुरु का विकास कैसे होता है? अपने आप को पहचानो, हम कौन है। हम उस सत्य को जानने वाले ऋषियों के वंशज हैं। हम संपूर्ण दुनिया को अपना कुटुंब मानने वाले लोग हैं। हमको सारी दुनिया को उस सत्य को देना है अपने व्यवहार से। हम फिर से देश विदेश जाएंगे, सारी दुनिया में जाएंगे, और तब तक अगर विज्ञान कहता है कि हम चंद्रमा पर जाएंगे, मंगल पर जाएंगे, वो उनके पीछे पीछे हम वहां भी जाएंगे। और सबका खोया हुआ व्यवहार का संतुलन वापस देने वाला धर्म नहीं है, जो पर्यावरण के साथ ठीक रहना सिखाता है, जो अपने पंथ पूजा की, जात पात की, जन्म की, देश की, भाषाओं की विविधता होने के बाद भी मिलजुल कर रहना सिखाता है, जो बिना किसी की पूजा बदले, बिना किसी का प्रांत भाषा बदले उसको अच्छा मनुष्य बनाता है, जो सबको अपना मानता है, किसी को पराया नहीं मानता, यहां तक कि उसको न मानने वाले को भी वो पराया नहीं मानता। ऐसा जो हमारा धर्म है, जिसको आजकल लोग हिंदू धर्म कहते हैं, उनको सारी दुनिया में देना है, मतांतरण नहीं करना है, ये तरीका सिखाना है। ये तरीका पूजा का तरीका नहीं है, ये जीने का तरीका। सारी दुनिया को उसको देने के लिए हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है। हम उन पूर्वजों के वंशज हैं।